हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड फोरकास्ट स्टूडियो लिमिटेड। गाइस, आईपीओ का आज के इस वीडियो में अलॉटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अलॉटमेंट कब कहाँ किस लिए किया जाएगा, चांसेस कितना परसेंट है, और जिनको अलॉटमेंट नहीं उनके रिफंड कब तक रिलीज किए जाएंगे, किस वेबसाइट पर अलॉटमेंट चेकआउट करना है, कितना चल रहा है, लेकिन कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर और चांसेस कितना परसेंट, सभी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। फंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बस आईपीओ जो 21 अगस्त को क्लोज किया गया था, 37.44 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 22 अगस्त का, 26 अगस्त का लिस्टिंग डेट है। NSE SME को लिस्टेड किया जाएगा 77 to 80 rupees पर शेयर की प्राइस पॉइंट 600 शेयर की लॉट साइज और MAS सर्विसेज लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार है। तो वाइज आईपीओ के अलॉटमेंट को आप दो तरह से चेकआउट कर सकते हैं, एक के रजिस्ट्रार पर MAS सर्विसेज और दूसरे स्टॉक एक्सचेंज NSE पर, और दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोनों पर चेक करने का तरीका मैं आपको 1 by 1 बताऊंगा। और पहले चलेंगे हम लोग इसके रजिस्टर्ड MAS सर्विसेज पर। जैसे हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, देखिए यहाँ पे हेडलाइन है, यहाँ पे आपको आईपीओ को पहले से अलॉटमेंट शो कर रहा है, रिटायर्ड एडवर्टाइजिंग लिमिटेड अलॉटमेंट स्टेटस। लेकिन ये आईपीओ आपने सोच सकते हैं कि इसका ऑप्शन अलॉटमेंट नहीं किया गया, तो कब किया जाएगा, आज रात में अलॉटमेंट कर रहा है मुझे तो उसके अलॉटमेंट आज रात में, मतलब कि 8 PM to 11 PM के बीच में अलॉटमेंट आएगा। जब भी आएगा तो आपको यहाँ पे कंपनी जो है वैलिडाइज शो कर रहा है, ये इसके जगह पे आपको जो है ये कंपनी शो कर जाएगा फॉरकास्ट स्टूडियो। और यहाँ पे गाइस आपको चेक करने का तरीका दो है, एक है DP ID क्लाइंट ID से आप चेकआउट कर सकते हो, दूसरा पैन नंबर। अगर आप DP ID क्लाइंट ID सेलेक्ट करते गए तो आपको जो भी DP ID है और क्लाइंट ID, इन दोनों को फिल करना और सर्च पर क्लिक करना है, दोनों उसका एक डिटेल फिल करना। और पैन नंबर को अगर आप सेलेक्ट करते हैं थर्ड सेकंड ऑप्शन, तो गाइस इसको क्लिक करने के बाद आपको पैन नंबर जो भी 10 डिजिट का फिल कीजिए और सर्च पर क्लिक कीजिए, तो आपको आईपीओ का अलॉटमेंट शो कर जाएगा। अब NSE पे तरीका गाइस, हम लोग NSE पे आ चुके हैं। स्क्रॉल डाउन की जगह हेडलाइन है वेरीफाई आईपीओ बिड अलॉटमेंट डिटेल्स, स्क्रॉल डाउन करना है, क्लिक हियर टू लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करना है, एक नया विंडो पेज ओपन होगा जो आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। और यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड से। तो गाइस लॉगिन करने के लिए एक अलग अकाउंट की जरूरत पड़ती है NSE में, जो कि अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया गया तो यूजर नेम फिल कीजिए, जो कि आपका ईमेल आईडी होगा, पासवर्ड फिल कीजिए, IAM Not A Robot पे क्लिक कीजिए और लॉगिन कीजिए। और अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो गाइस फॉरगेट पासवर्ड या पासवर्ड रिसेट कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइम विजिट के साइनअप पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कीजिएगा और लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिएगा और सर्च पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको आईपीओ का अलॉटमेंट शो कर जाएगा। और अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू 82.17% का, पोस्ट इशू 60.3% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 10.65 करोड़ का फंड रेज कर चुका है, इसलिए गाइस चांसेस की मैं बात करूँगा 100% QIB, HNI और रिटेल को। तो QIB में 19% का ऑफर दिया गया, HNI में 14.26% का, रिटेल में 33.26% का ऑफर दिया गया। और इसलिए गाइस प्रोमो और सब्सक्राइब किया गया QIB में 205.39 टाइम का सब्सक्राइब किया गया, जो कि बहुत ही कम चांस अलॉटमेंट है, क्योंकि कंपनी में जो ऑफर दिया गया है अगर QIB में अगर देखा जाए तो 19% का, तो इसमें चांसेस जो है अराउंड लगभग 1% का अराउंड चांस है अलॉटमेंट होने का, 0.5% का चांस है अलॉटमेंट होने का। लेकिन HNI में तो एकदम चांस नहीं गाइस, क्योंकि 701.85 टाइम का सब्सक्राइब किया गया है और ओनली 14% का ही ऑफर दिया गया, इसलिए चांस एकदम नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं है अलॉटमेंट होने का HNI कैटेगरी में। रिटेल में 415.82 टाइम का सब्सक्राइब किया गया, तो इसमें चांस भी एकदम नहीं है गाइस अलॉटमेंट होने का, लगभग 1% का चांस है अलॉटमेंट होने की। और टोटल 416.99 टाइम का वन टाइम अलॉटमेंट होगा, 416 टाइम का एप्लीकेशन कैंसिल करके रिफंड से रिलीज कर दिया जाएगा। जिनको अलॉटमेंट है उनके GMP की बात करें तो 85 रुपीज़ का GMP ट्रेंड करें, मतलब जितना प्राइस बैंड उसे उसके GMP चल रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग 106% के बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है, मतलब कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रही है। जिनको अलॉटमेंट का बहुत लकी होंगे गाइस, क्योंकि बहुत रेयर चांस है अलॉटमेंट होने का। अब जिनको अलॉटमेंट नहीं उनके रिफंड 23 अगस्त को रिलीज किया जाएगा और कल के दिन, और इसी दिन जो है सो शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 26 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया, NSE SME लिस्टेड होगा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रही है। और गाइज आज रात में 8 PM to 11 PM के बीच में अलॉटमेंट किया जाएगा। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।